हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ मी अंकिता. सो आज मैं आपको एक और रिव्यू वीडियो बताने वाली हूँ, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहती हूँ. और वो ये है कि इस वीक में मैं कंप्लीट करूँगी अपना 100 वीडियो. तो मतलब 100 वीडियो हो जाएंगे मेरे इस वीक में. तो आज का जो वीडियो है वो 97th वीडियो है, और प्रॉबेबली संडे या सैटरडे को जो वीडियो आएगा वो 100th वीडियो होगा. तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट अ Q&A काइंड ऑफ वीडियो. तो अगर आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चंस भेज दें या आप लोग मुझे कुछ अजम्पशंस भेज दें जिसके बारे में आप लोग मेरे से क्लेरिफिकेशन चाहते हैं, ऐसा कुछ भी, सो आई कैन डू दैट. और मैं चाहती थी इट, आई जस्ट वॉन्टेड इट टू बी लाइक अ कॉन्वर्सेशनल काइंड ऑफ वीडियो. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग को ये बता दूँ. अगर मुझे इतने क्वेश्चंस आ गए कि मैं उस पर वीडियो बना पाई तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी, और नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा. ओके, सो सेंड इन योर क्वेश्चंस एंड डू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे ऑल्सो. तो अब मैं बात करती हूँ आज के उस प्रोडक्ट के बारे में जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. एंड दिस इज़ द इनिसफ्री कैप्सूल राइस पैक स्लीपिंग मास्क. सो ये एक राइस पैक का स्लीपिंग मास्क है. इसमें राइस है, लाइक जिसको हम बोलते हैं ना बच्चों को जो माड़ पिलाते हैं, जो थिक 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 चीज़ जो बाहर आती है चावल से, तो उसके लिए है. एंड एज वी ऑल नो राइस इज़ अ ब्राइटनिंग एजेंट. तो मैं इसका रिव्यू तब कर रही हूँ जब मैं इसको फाइनली यूज़ कर चुकी हूँ. आप देख सकते हो मैं पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ इसको, और तब मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ. सो इसको आपको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, बट पहले बता देती हूँ कि इसकी कॉस्ट क्या है. इसकी कॉस्ट है 150 रुपीज़, और ये आपको मिलता है 10 ml प्रोडक्ट. और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो आपको मिलती है 2021 तक. सो आई थिंक इतना सा मास्क तो यूज़ हो ही जाएगा उतने दिन में. और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसको आपको लास्ट चीज़ ये होनी चाहिए जब आप रात को सोने जाएं, तो आपके फेस पे जो चीज़ लास्ट लगे वो ये होनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्लीपिंग मास्क है. और जब आप सुबह उठें तो आपको इसको सिंपल प्लेन वाटर से धो देना है. सो मैं इसको एक क्रीम की तरह लगाती हूँ, नॉट लाइक मास्क पूरा थोप के नहीं लगाती बिल्कुल ऐसे कि एकदम लेयर कर दिया, वैसे मैं नहीं लगाती हूँ. मैं क्लीन करती हूँ, अपना टोनिंग करती हूँ जो भी सब, और लास्ट में मैं इसको लेती हूँ लाइक अ क्रीम, लाइक अ मॉइस्चराइज़र, जैसे कि आप फेस पे लगाते हो वैसे. एंड आई जस्ट स्प्रेड इट ऑल ओवर माय फेस, और मैं सो जाती हूँ. तो वैसे मैंने इसको यूज़ किया है, इट्स ऑल ओवर. और मुझे अपनी स्किन काफ़ी ब्राइट लगी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसके बारे में आप लोग को बताऊँ. अगर आप लोग गोरेपन के कारण देख रहे हो तो मत लेना, क्योंकि मैं गोरापन पहले तो प्रमोट ही नहीं करती. मैं ऐसे बोलती ही नहीं हूँ कि कोई भी चीज़ लगाओ जिससे आप गोरे हो जाओ, क्योंकि जो आपकी स्किन है आपको उसमें कंफर्टेबल रहना चाहिए, और अपनी स्किन को हेल्दी बनाओ, उसको गोरा बनाने की कोशिश मत करो. तो मैं वो चीज़ के लिए बोल रही हूँ, दिस इज़ टू ब्रिंग ब्राइटनेस, ग्लोइंग फेस एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स नॉट फॉर वाइटनिंग. तो इसलिए गोरे होने के कारण ये मत लेना, कुछ नहीं होगा, बाद में आके मुझे बोलोगे कि तुमने कुछ भी बताया, गोरे तो हुए नहीं. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये मैंने लिया था, और ये मुझे इतना अच्छा लगा ऑनेस्टली कि मैंने ये और ले लिए. और ये अभी खुले भी नहीं है, ये ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा मैं इसका आप लोग को रिव्यू बताऊं. और उसके बाद अब मेरा आज से एक नया पैक खुलेगा, तो आप ये देख सकते हो ये खुले भी नहीं है ये. और मैं आपको दिखा देती हूँ एक्चुअली खोल के कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रहती है, कैसी रहती है, और आपको कितना प्रोडक्ट मिलता है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. ये मैंने खोला और ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द प्रोडक्ट. ओ माय गॉड, ये देखो, ये इतना प्रोडक्ट मिलता है आपको, और आपको थोड़ा सा अमाउंट चाहिए. लाइक अगर मैं अपने फिंगर्स से लूँ ये, सो जस्ट स्प्रेड इट ऑल ओवर. ये देखो कितना मैंने इतना सा लिया और इतनी सारी जगह पे स्प्रेड हो गया, तो फेस हमारा कितना होता है. तो यू नीड अ वेरी लिटल अमाउंट और वो आपके फेस पे स्प्रेड हो जाएगा, और बस फिर आपको सो जाना है. शाइन तो आपको अभी दिख रही होगी बिकॉज इट इज़ स्लाइमी काइंड ऑफ थिंग, लेकिन जब आप सुबह उठोगे तो आपको एक हेल्दी स्किन मिलेगी. मैं ये नहीं कह रही हूँ ओवरनाइट काम करता है, नहीं, मुझे इसमें कुछ, जिसको बोलते हैं ना, मैंने ये पूरा ख़त्म किया तो मुझे कुछ डिफरेंस दिखा होगा, लाइक सम परसेंटेज, और 100 में 10%, 100 में 15%, 100 में 20%. तो उस हिसाब से यू हैव टू कीप कंटिन्यू यूजिंग दैट, और तब आपको प्रॉपर एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो मैं उस लिए आपको बता रही हूँ. मैं कोई फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहती इधर कि
एक हफ्ता लगाओगे चमक जाओगे ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट दैट मेरी स्किन थोड़ी मुझे लगी हेल्दी हो गई है. मुझे लगा मेरे जो पिंपल मार्क्स थे वो थोड़े जिसको बोलते हैं ना फेड आउट हो गए. तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है. एंड अगर आपको लगे कि आपको ये ट्राई करना चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं. आपको इसमें बहुत सारे वेरिएंट मिल जाते हैं फॉर एक्ने प्रोन स्किन, फॉर डल स्किन, ग्रीन टी, एलोवेरा, पटेटो, बहुत सारा. पर पर्टिकुलरली आई थिंक राइस वाला जो है वो एक स्लीपिंग मास्क है. सो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये मास्क मुझे लगता है एक बार तो ट्राई कर सकते हो यार. एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता. और अगर आपको पर्टिकुलरली राइस सूट नहीं करता है तो आप इसको मत यूज़ करना. और मैं आपको जो बता रही हूँ वो सही बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैंने इसको पूरा ख़त्म भी कर दिया. इसका प्रूफ मैंने आपको दिखाया और मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने ये ऑर्डर किया है अपने लिए. सो मैं फ्री में अपने पैसे वेस्ट नहीं करूँगी. अगर मुझे किसी चीज़ ने क्या कहते हैं फ़ायदा दिया होगा तो ही मैं पैसे वेस्ट करूँगी, मतलब तो ही मैं लूँगी. तो इसलिए ये चीज़ मुझे लगा मुझे आप लोग को बतानी चाहिए, जस्ट टू गेट दैट नाइस ग्लोइंग हेल्दी स्किन. और That's it. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को क्लिक कर देना. अगर ये प्रोडक्ट खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से खरीद लेना. और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. और क्वेश्चन अजम्पशंस ज़रूर भेजना, गिव अवे में पार्टिसिपेट भी करो. और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय.